गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से मिल रहे हैं अपने रे ऑप्टिक्स के नए वीडियो लेक्चर में। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे TIR के बारे में, क्रिटिकल एंगल से कुछ कंडीशंस देखा था हमने, है ना, उसका कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े थे TIR का। फिर हम देखे थे TIR कैसे होता है और उसके बेसिस पे क्या क्या फेनोमेनन है, जिसमें मिराज था एक, तो डायमंड कैसे स्पार्कल करता है वो समझा था हम लोग ने, है ना। और लास्ट में हम लोग पढ़े थे वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी करेगा उसके बारे में स्टडी किए थे। आज जो हम लास्ट टॉपिक पढ़े थे वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद उसको स्टार्ट करेंगे टॉपिक को। मान लो ये एक मीडियम है, ठीक है, मान लो एक बीकर ही मान लो ना, क्या दिक्कत है। इसके अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है, बीकर के अंदर क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। लेकिन इस लिक्विड और यह कितने हाइट तक भरा हुआ है, h, यानी अगर यहां से बात की जाए तो इसका डेप्थ h है, है ना। डेप्थ कितना है बॉटम का, h है। अब कह रहा है कि इसके अंदर y डिस्टेंस पे, यानी ये वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है, ठीक है, y डिस्टेंस पे कुछ पार्टिकुलर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, मतलब कि y डायरेक्शन में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी कर रहा है। तो बताना है आपको कि इसका फाइनल डेप्थ क्या होगा, ठीक है, क्या बताना है, फाइनल डेप्थ क्या होगा। तो जो क्वेश्चन में गिवन है हमारा न्यू वाई का वैल्यू, वो दिया हुआ है 1+y/h, क्या दिया हुआ है, 1+y/h, और हमको फाइंड आउट करना है क्या कि इसका एपरेंट डेप्थ क्या होगा, एपरेंट डेप्थ क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। और y डिस्टेंस पे वेरी कर रहा है, यानी कहने का मतलब कि अगर हम y का वैल्यू 0 रख दें तो ऑब्वियस है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, 1 से लेके, और फाइनली जब हम यहाँ देखेंगे और वो h रख देंगे हम यहाँ y की जगह पे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का 2 होगा। यानी हम जब जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और जो आप बाहर जहाँ से आप देख रहे हो, जहाँ से आप इसको मतलब ऑब्जर्व कर रहे हो, यानी हमारा ऑब्जर्वर कहाँ रखा हुआ है, मतलब बैठा हुआ है एक्चुअली, वो एयर में है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1। अब कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं वाई डिस्टेंस पे जाके, पहले भी हम लोग जब वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन सॉल्व टॉपिक बता रहे थे तो उसमें हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया था, ठीक है ना। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे कि वाई डिस्टेंस पे जाकर एक एलिमेंट लेंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया म्यू वाई, जो दिया हुआ है हमको, ठीक है, और इसकी थिकनेस कितनी है, डी वाई। क्या हम बाहर से इसको देखेंगे तो हमको सेम यही फील होगा, एग्जैक्टली नहीं होगा। तो ये इसका थिकनेस डी वाई है, लेकिन हमको फील क्या होगा, डी वाई समथिंग कुछ, है ना, समथिंग कुछ डी वाई डैश फील होगा। तो एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या था हमारा, तो एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला था, एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या था, रियल डेप्थ मल्टीप्लाइड बाई जिस मीडियम में जा रहा है लाइट, तो लाइट हम ऑब्जर्व किस में कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं, तो लाइट इससे आ रहा होगा, ठीक है, तो उसका 1 डिवाइड बाई जिस मीडियम से आ रहा है, यानी म्यू वाई से, ठीक है, म्यू वाई का वैल्यू हमको रखना होगा। अब देखो जरा ये वाई का वैल्यू कहां से कहां तक जा सकता है, मिनिमम 0 और मैक्सिमम एस तक, वैसे ही एपरेंट डेप्थ भी कुछ जा रहा होगा। तो मान लेते हैं कि एपरेंट डेप्थ 0 से एच ए तक जा रहा होगा, ये एपरेंट डेप्थ इसका जो हमको फील होगा, और ये जो हमारा रिजल्ट है ये डी वाई अपॉन जो भी म्यू वाई है, ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा होगा, 0 से लेकर एच तक, ठीक है, ये तो हमारा एपरेंट डेप्थ था, चलिए तो डायरेक्ट हो जाएगा एच ए, इसमें कोई शक नहीं है, ये डायरेक्ट एच ए कर सकते हैं, क्योंकि डी वाई का डी वाई डैश का वाई डैश होगा, इसके बाद अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट रखो, रिजल्ट एच ए ही आएगा। इस वाले में क्या करेंगे, तो इस वाले में हम पहले इसका वैल्यू रखते हैं, तो ये अगर हम ध्यान से देखें तो ये एच प्लस वाई अपॉन एच है, और ये डिवाइड में है, तो ये एच जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, एच इंटीग्रेशन 0 से लेके एच तक डी वाई अपॉन वाई प्लस एच का, ठीक है, तो वाई प्लस एच यानी समथिंग वाई प्लस समथिंग, और हम लोग पढ़े हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स का ln x होता है, तो यहां से रिजल्ट क्या आ जाएगा, एच ए का, तो एच ए आ जाएगा आपका एच
एल एन वाई प्लस एच, ठीक है, जीरो से लेके कहां तक, एच तक। अब क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट, यही तो रखना होता है। तो एच ए क्या आ जाएगा हमारा, एच एल एन एच प्लस एच माइनस एल एन एच, यानी रिजल्ट हो जाएगा एच एल एन टू एच माइनस एल एन एच, और लॉग एम अपॉन एन हो जाएगा ये, यानी रिजल्ट क्या हो जाएगा, टू एच डिवाइडेड बाई एच, एच से एच कैंसिल, तो एच एल एन टू, इतना हमारा हाइट होगा। एल एन टू का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो याद रखिएगा एल एन एक्स का रिजल्ट होता है 2.303 लॉग एक्स, ठीक है, और 2.303 यहां पर कितना है, एल एन टू है ना, तो कितना हो जाएगा ये लॉग टू, और लॉग टू का वैल्यू होता है 30100 पॉइंट, तो ऑब्वियस ये आ जाएगा, तो आपका 69 और 3, ठीक है, 0.693, यानी 0.693 h, इतना आपको फील होगा एपरेंट। आप एल एन टू पे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको खाली याद रख लीजिएगा, इसलिए कि आगे आपको रेडियोएक्टिविटी में इसका यूज आएगा जब हम लोग हाफ टाइम पढ़ेंगे, या फिर आप केमिस्ट्री में जाके क्या कहते हैं रिएक्शन देखिएगा, केमिकल काइनेटिक्स का लगता है उसमें रहता है यूज। ये हो गया क्वेश्चन आप लोग का, अब देखो इसके आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम लोग कल लास्ट में देखे थे, कहते थे कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का भी क्वेश्चन दिया जा सकता है कि आखिर ये जो लाइट रे इस वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जब पास करेगा तो उस किस पाथ को फॉलो करेगा, उसका भी कभी कभी कंडीशन देता है निकालने को, तो उस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे उस केस के लिए देख रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि लाइट रे यहाँ ये एक मीडियम है और मान लो ये y इक्वल्स टू तक है, ठीक है, और यहां इसका इक्वेशन दिया हुआ है म्यू का, म्यू y दिया हुआ है हमारा y 3 अपॉन 2 प्लस 1 रूट, यानी आप ऐसे कर सकते हैं उसको सिंपल, अंडर रूट बाई टू दावर 3/2 प्लस 1, ये म्यू दिया हुआ है हम लोग को, और आपको फाइंड आउट क्या करना है कि यहां से अगर लाइट रे इंसिडेंस कर रहा है, यहां से लाइट रे इंसिडेंस कर रहा है तो इसके ट्रैजेक्ट्री क्या होगी, इसकी ट्रैजेक्ट्री क्या होगी, और दूसरा ये जब इमिट करेगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, यानी आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी निकालना है, ठीक है, और आपको इसका इक्वेशन भी लिखना है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्ट्री, ठीक है, ये दोनों लिखना है। तो इसके लिए हम बोले थे आपको याद होगा, और हाँ एक चीज और है इसमें गिवन क्या है कि जो यहां पर इंसिडेंस हो रहा है, हाँ सॉरी एक और गिवन क्या है कि यहां पर जो इंसिडेंस हो रहा है ये ग्रेजिंग इंसिडेंस है, एक और जो गिवन है हमारा एक क्या है, ग्रेजिंग इंसिडेंस है। ग्रेजिंग इंसिडेंस कहने का मतलब पहले ही हो गया हमारा कि आई 90 डिग्री है, यानी इनिशियल जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना है, 90 डिग्री है, और आपको फाइंड आउट कर रहा है कि वो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्ट्री क्या होगा और किस कोऑर्डिनेट को वो इमिट करेगा, यानी किस कोऑर्डिनेट से वो पास करेगा। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं जो हमारे पास था, इंटीग्रेशन डी वाई अंडर रूट म्यू वाई का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई, जीरो से लेकर ये वाई तक, इक्वल्स डी एक्स डिवाइडेड वाई, आपका हो जाएगा साइन आई जीरो से लेकर एक्स तक, और इसको इंटीग्रेट करने के बाद हमको क्या रिजल्ट मिलेगा, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्ट्री का। तो देखो यहां आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री, ठीक है, आई का वैल्यू यहां 90 रख देते हैं, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा वो देखते हैं, डी वाई अंडर रूट उसका स्क्वायर, यानी कहने का मतलब कि रूट तो गया बेचारा, तो y पे पावर 3/2 प्लस 1,
और साइन 90 भी 1 होता है, तो माइनस 1 इक्वल्स क्या हो जाएगा डी एक्स, जीरो से लेकर एक्स तक, ये और ये गया, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा फिर डी वाई डिवाइडेड बाई वाई टू द पावर 3 बाई 4, क्योंकि रूट हटाएंगे तो पावर हाफ, तो 3 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई 2, 1 बाई 4 हो जाएगा। तो ये रिजल्ट हो गया हमारा 0 से मतलब 3 बाई 4, 0 से x कहाँ तक, डी एक्स तक। अब ये ऊपर जाएगा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y टू द पावर माइनस 3 बाई 4 डी वाई इंटीग्रेशन डी एक्स 0 से लेके कहाँ तक, x तक। तो अब देखो यहाँ से क्या बन जाएगा, तो फॉर्मूला हमारा इंटीग्रेशन क्या क्या था, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन ही होता था ना, तो रिजल्ट यहाँ क्या हो जाएगा y टू द पावर माइनस 3 बाई 4 प्लस 1 माइनस 3 बाई 4 प्लस 1 इक्वल्स एक्स हो जाएगा। तो रिजल्ट हो जाएगा y टू द पावर 1 बाई 4 डिवाइड बाई 1 बाई 4 इक्वल्स एक्स, यानी y टू द पावर 1 बाई 4 इक्वल टू हो जाएगा एक्स बाई 4। तो इसका हम होल 4 कर लेते हैं तो हमको ये इक्वेशन मिल जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा y इक्वल्स एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 का होल 4 हो जाएगा कितना, 256। ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब दूसरा क्या पूछा था हमसे कि किस कोऑर्डिनेट से ये पास करेगा, किस कोऑर्डिनेट से ये पास करेगा, तो कोऑर्डिनेट से पास कर रहा है वो, उसके लिए y का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो अगर हम y का वैल्यू यहाँ 2 रख दें तो x का वैल्यू नहीं मिल सकता, मिल सकता है, तो y का वैल्यू 2 रख दीजिए, तो 2 × 256 इक्वल्स x टू द पावर 4, तो x कितना हो जाएगा यहाँ से 256 का, तो डायरेक्ट 4 हो जाएगा क्योंकि वही से तो आया था ये, 4 के पावर 4 से ही तो आया था, लेकिन इस 2 का नहीं 1/4 होता, इसलिए 2 टू द पावर 1/4, ये इसका आंसर हो गया, मतलब x का। तो कोऑर्डिनेट हमसे पूछा था ना, तो x का वैल्यू कितना हो गया 4 × 2 टू द पावर 1/4 = 2, ये आंसर हो गया जिस कोऑर्डिनेट से ये पास करेगा। तो ये रिजल्ट हो गया हमारा, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, नोट हो गया। चलिए अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी कंडीशन पे, ठीक है, और देखते हैं उसमें क्या है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है पहले वो समझेंगे, वही कंडीशन है, ठीक है, ग्रेजिंग इंसिडेंस ही है ऑलमोस्ट, यानी थीटा मतलब यहाँ पे आई कितना है आपका 90 डिग्री है। अब कह रहा है ये जो इस इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्ट्री को फॉलो कर रहा है वो है वाई इक्वल्स 2x², ठीक है, 1 पे 1 पे 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 पे, हाँ ठीक है, वाई इक्वल्स क्या है 2x² है, इस ट्रैजेक्ट्री को फॉलो कर रहा है, ठीक है, किसी पॉइंट तक। अब कह क्या रहा है हमसे फाइंड आउट करने के लिए कि आप इसका म्यू बता दो, म्यू वाई का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा ये हमको बताना है, ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो वहां तो इंटीग्रेशन था तो हम आराम से सॉल्व कर लिए थे, तो जाहिर सी बात है कि इंटीग्रेशन का उल्टा तो डिफरेंशिएशन ही होता है, लेकिन हम बताए क्या थे पहले वो देखो याद करो, दो तीन चीज बताए थे आपको याद होगा, स्लोप इक्वल्स बताए थे डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये रिजल्ट आया था कॉट आर, याद आ रहा है कुछ, ठीक है, ये एयर था, यहाँ भी एयर ही दिया हुआ है जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 है, याद होगा ऐसा भी कुछ लिखे थे 1 × sin i = μy × sin r, याद आ रहा है कुछ लिखे थे, तो sin i sin 90 दिया हुआ है, तो sin 90 इक्वल्स म्यू वाई इंटू साइन आर, साइन आर का वैल्यू नहीं मालूम है, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 इक्वल्स क्या हो जाएगा म्यू वाई इंटू साइन आर, अगर हम साइन आर का वैल्यू रख दें तो हमको आराम से म्यू वाई मिल जाएगा, है ना, तो करेंगे कैसे वो देखते हैं, तो हमने पहले ही लिख दिया है कि कॉट आर जो है वो डी वाई वाई डी एक्स था, याद आ रहा है कुछ, और यहाँ पे अगर आपको याद होगा इसमें ये तो वाई इक्वल टू 2x² दिया हुआ है, इसमें अगर आपको याद होगा तो ऐसे कुछ एक मीडियम था, ये हमारा क्या कहते हैं एंगल, ये एंगल, हाँ ये एंगल हम जो लिए थे याद होगा, ये आर लिए थे
और ये वैल्यू आपका डी वाई था और ये आपका डी एक्स था, याद आ रहा है कुछ? वैसा ही सारा कंडीशन गिवन है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब मान लो कभी आर अगर कुछ और दे दे तो फिर सोचना होगा। मान लो अगर यहाँ आर दे दिया तो वैसे आप समझ लीजिएगा कि क्या कर सकते हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका, टेन आर हो जाएगा डी वाई डी एक्स, तो कंडीशन देगा। लेकिन जनरली आपसे ये इसलिए नहीं दे सकता है क्योंकि रे के साथ नॉर्मल से एंगल है ना, तो वही देगा आर ही, यही देगा। तो साइन आर चाहिए, तो पहले तो कॉट आर निकाल लें। तो कॉट आर इसका डिफरेंसिएशन यानी 4x, डायरेक्ट 2x² का 2x होता है। तो साइन आर का क्या लिख सकते हैं? तो साइन आर को लिख सकते हैं हम लोग 1y cosec r, और कॉसेक आर को लिख सकते हैं, यानी रिजल्ट आ गया क्या, म्यू वाई इज्वल टू क्या आ गया, कॉसेक आर, और कॉसेक आर को लिखते हैं 1 cot² r, यानी रिजल्ट हो गया 1 इसका होल स्क्वायर यानी 16x², ये आ गया म्यू वाई का। और x² का वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं, तो यहां से x² कितना हो जाएगा हमारा, तो x² हो जाएगा y/2, तो x² को यहां y/2 रख दो, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, √1 + 8y, ये हो गया रिजल्ट म्यू वाई का डायरेक्ट। तो दोनों क्वेश्चन हो सकता है आपको, कर्व का इक्वेशन देकर फाइंड आउट देने का सकता है म्यू वाई, या तो फिर म्यू दे दे दो, कर्व का इक्वेशन फाइंड आउट करने कहेगा। चलो ये तो नोट हो गया आप लोग का। अब देखो एक और देते हैं, इसको थोड़ा ट्राई करके देखिए आप लोग, नहीं बनेगा तो फिर बनाया जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे इस बार एक मीडियम है ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू नॉट दिया हुआ है ठीक है, और इस वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वाई दिया हुआ है, म्यू नॉट इंटू अंडर रूट 1 + 0.2y ठीक है, ये वैल्यू दिया हुआ है और कह रहा है कि ये y इक्वल 1 तक है, और वैसा ही कुछ है फिर ग्रेजिंग इंसिडेंस है ठीक है, थीटा यहाँ पे आई 90 डिग्री, और आपको बताना है दो चीज, ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होगा, और इमिट कहाँ करेगा, मतलब कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट जहाँ पर वो इमिट करेगा ठीक है। जल्दी जल्दी सोचिए, ट्राई करिए जल्दी। चलो देख लेते हैं कैसे बनेगा, ट्राई होगी। सबसे पहले तो मान लो ये रे ऐसे जा रहा होगा, एंगल ये मान लो आर है, यहां पर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चलो यहां पे थोड़ा सा और पहले बना लेते हैं, ये आपका आर है, ये आर है ठीक है। तो होगा क्या, तो म्यू नॉट यहां का इंटू साइन आई, साइन आई या साइन 90 ही कर लेते हैं ठीक है, इक्वल्स क्या हो जाएगा म्यू वाई, यानी म्यू वाई क्या, एंड म्यू नॉट इंटू 1 + 0.2y इक्वल्स क्या हो जाएगा आपका साइन आर। तो फिर म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, साइन आर का वैल्यू आ जाएगा 1 + √1.1 + 0.2y। तो इक्वेशन निकालना है ना हमको, तो इंटीग्रेट तो करना ही पड़ेगा, इतना तो हम लोग कर सकते थे, ये कोई दिक्कत नहीं था। इंटीग्रेट करने के लिए क्या चाहिए, तो याद होगा आपको एक और चीज़ हम लिखे थे जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में भी लिखे हैं हम, ये चीज़ डायरेक्ट यहाँ पे डी वाई अपॉन, ऐसे आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूले पे भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एन नॉट म्यू नॉट मल्टीप्लाई था तो वो कैंसिल हो ही जाना था ठीक है, कर सकते हो, लेकिन स्टेप यही अच्छा रहेगा। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये कॉट आर था हमारा, तो कॉट आर को क्या लिख सकते हैं, √1 + cosec² r, नहीं 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 cosec² r - 1 ठीक है ना। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा यहां से देखो, तो dy/dx का, तो dy/dx का जो रिजल्ट आएगा वो √cosec² r है, यानी इसका उल्टा या और उसका स्क्वायर, यानी 1 + 0.2y - 1 कैंसिल हो गया, तो dy
अपॉन अंडर रूट 0.2y इक्वल्स क्या हो जाएगा dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग 0 से लेके y तक, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेके x तक, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 2√x होता है तो कंफर्म है, ठीक है। और ये जो है कॉफिशेंट 0.2 वो डिवाइड में आ जाएगा, अंडर रूट 0.2 जो है कॉफिशेंट, तो 2 अंडर रूट ये y, 2√y हो गया डिवाइड y, कितना हो जाएगा अंडर रूट 0.2, कहां से कहां तक 0 से लेकर y तक, और dx का तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट x, 0 से x तक तो है ही हमारा, तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ अंडर रूट y अपॉन 0.2 इक्वल्स x, ये रिजल्ट आ गया हमारा इक्वेशन का। तो इसको थोड़ा सा अगर और हम सॉल्व करना चाहें तो रिजल्ट क्या आ जाएगा y अपॉन 0.2 इक्वल्स x अपॉन 2 अंडर रूट में, तो रिजल्ट हो जाएगा y अपॉन 0.2 इक्वल्स x स्क्वायर अपॉन 4, तो y इक्वल्स हो जाएगा 0.2 x स्क्वायर अपॉन 4। अब हमसे क्या कहा था y का वैल्यू 1 रखना है, तो y का वैल्यू 1 रख देते हैं, तो y का वैल्यू 1 रखेंगे तो 4 डिवाइड बाई 0.2 इक्वल्स x स्क्वायर हो जाएगा, यानी x स्क्वायर कितना हो जाएगा 20, तो आपका x कितना हो जाएगा 2√5 हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेट कितना हो गया x का वैल्यू 2√5 और y का वैल्यू कितना हो गया 1, इसको नोट करिए जल्दी से आप लोग, हो गया नोट। चलो देखते हैं एक और, अब इसके पहले जो जो कुछ कुछ टॉपिक हम लोग पढ़े हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं, ठीक है, फिर हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि एक बीकर है, ठीक है, ये बीकर है जिसका डायमीटर दिया हुआ है 2h, ठीक है, और हाइट दिया हुआ है 3h, हाइट कितना दिया हुआ है 3h। अब कह रहा है कि इसमें h हाइट तक एक रॉड है, कितने हाइट तक, h हाइट तक एक रॉड है, और आप इस रॉड के टॉप को आराम से देख पा रहे हो, इस रॉड के टॉप को आराम से देख पा रहे हो, ठीक है। अब कहता क्या है कि इसमें 2h हाइट तक, कितने हाइट तक, 2h हाइट तक एक लिक्विड फिल किया गया, ठीक है, 2h हाइट तक एक लिक्विड फिल किया गया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको मालूम नहीं है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको मालूम नहीं है, कितने हाइट तक फिल किया गया है 2h हाइट तक, और आपको अब बताना ये है कि अगर इसको फिल करने के बाद ये विजिबल हो जाए, मतलब रॉड का बॉटम अगर विजिबल हो रहा है आफ्टर फिलिंग द लिक्विड, आफ्टर फिलिंग द लिक्विड, तो आपको बताना है कि म्यू का वैल्यू क्या होगा। आपके पास टाइम है, आप सोचिए जल्दी से, ठीक है, तब हम लोग इसके सॉल्यूशन को देखेंगे, ट्राई करिए। म्यू का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, कहां तक फिल किए हैं 2h हाइट तक फिल किए हैं, डायमीटर भी 2h है, रॉड की हाइट s दी हुई है, बीकर पूरे पूरे 3h हाइट का है, देखो कैसे बनेगा। सबसे पहला बात की अगर ये विजिबल हो रहा है, इसका मतलब कि यहां से जो लाइट रे यहां पर गया होगा इसके बाउंड्री पे, सॉरी ये लाइट रे जो इसके बाउंड्री पर गया होगा वो आफ्टर रिफ्रैक्शन यहां पर इसको ट्रेस कर गया होगा पाथ को, ये ऐसे, तो ये लाइट रे जो यहां आ रहा है यहां से गया इसी तरह से, तब ये विजिबल हो सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि कैसे हम इसका निकालेंगे म्यू, ये तो हमको समझ में आ रहा है, तो ये है इसका मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जरा ध्यान से समझें हम लोग, अगर ये r है तो ऑब्वियस है कि ये भी r होगा, ठीक है,
और ये तो एच है ही, और ये भी एच है, और ये आपका टू एच है। ये एच इसलिए है क्योंकि ये पूरा का पूरा टू एच था, ये एच तो बच गया एच, और पूरा थ्री एच था तो ये एच हो गया। तो अब हम चाहे तो यहां से आर का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे, तो टेन आर लगा लो। टेन आर क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर टू एच डिवाइडेड बाई बेस टू एच वन, यानी आर आ गया 45 डिग्री। अगर इस आर 45 को तुम यूज करोगे तो तुमको यह भी पता चलेगा कि अगर ये एच है तो ऑब्वियस है कि ये भी एच ही रहा होगा। 45 डिग्री है तो परपेंडिकुलर और बेस तो सेम ही रहना चाहिए। ये हमारा कितना आ गया 45 डिग्री। अब ये एच है तो ये भी एच रहा होगा। अब हम क्या करें जो म्यू निकलेगा। म्यू निकालने का सिंपल तरीका है कि हमको अगर आई और आर मिल जाए तो हम म्यू फाइंड आउट कर सकते हैं स्नेल्स लॉ से। तो आर तो हमको मिल चुका है 45 डिग्री। आई निकालने के लिए हम इस ट्रायंगल को यूज कर सकते हैं जिस ट्रायंगल में ये एच है और ये टू एच है। ये कितना है, एच है और ये टू एच है, तो ये फाइंड आउट हो सकता है हमारा हाइपोटेनस। तो यहां से साइन आई क्या हो जाएगा हमारा, तो साइन आई हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी एच डिवाइडेड बाई अंडर रूट इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर, यानी 4h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, यानी रिजल्ट क्या हो जाएगा h बाई रूट 5h, यानी रिजल्ट आ गया 1 अपॉन रूट 5 साइन आई का वैल्यू मिल चुका हमको। साइन आई मिल चुका, यहां से साइन आर भी निकाल ही लो। साइन आर कितना हो जाएगा, साइन 45 मतलब 1 बाई रूट 2। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन आई बाई साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स पहले उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें लाइट रे जा रहा होता है, यानी इसमें बाहर जा रहा है, बाहर है आपका एयर जहां आप इसको फील कर रहे हो बैठ के, तो म्यू वन हो गया। और जहां से आप लाइट रे आ रहा है यानी म्यू से, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√2, नहीं 1/√5 है ना, हाँ 1/√5, 1/√2 इक्वल्स 1/μ, यानी 1/μ क्या हो जाएगा अंडर रूट 2/5। तो म्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 5/2। ये रिजल्ट हो गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। नोट करो जल्दी से, हो गया नोट। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, मतलब और एक दो क्वेश्चन है भी जिसको हम लोग देख लेंगे। चलो देखो, कह रहा है कि एक, ठीक है मान लो एक लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है म्यू, और इसके ये मान लो एक्वेरियम, इसको मान लो ना एक्वेरियम है, एक्वेरियम का अंदर लिक्विड है, लिक्विड अगर है तो वाटर ही होगा ऑब्वियस है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 4/3। तो हम यहाँ म्यू उसको मान के चल रहे हैं, जिसके बेस पे एक मिरर लगा हुआ है, ये है आपका मान लो मछली है, ठीक है फील तो आ जाएगा इसमें क्या दिक्कत है, और यहां आप हो जो इसको आप देख रहे हो, ठीक है आप जो हो एच हाइट पे हो, जो देख रहा है वो कितने हाइट पे है, एच हाइट पे है, और ये भी एच ही है टोटल, जिसमें से ये जो है फिश है वो एच अपॉन टू है टॉप से, तो बॉटम से भी एच अपॉन टू ही हुआ, यानी उसके बीच में है। और आपको बताना है कि इसको इसका इमेज और इसको इसका इमेज कहाँ कहाँ दिखेगा, दोनों को एक दूसरे का इमेज कहाँ कहाँ दिखेगा ये आपको बताना है। सोचो जल्दी से, तुम्हारे पास टाइम है, आराम से सोचो और जल्दी से इसको सॉल्व करो। देखो इसको कहाँ कहाँ इमेज फील होगा। तो पहले हम इसकी बात कर रहे हैं,
ठीक है, ये कहाँ कहाँ देखेगा इसको, इस वाले को। देखो पहला एक चीज क्या होगा, एक रे जो यहां से बाहर जाएगा मीडियम में वो रिफ्रैक्ट होगा, वो जो रिफ्रैक्ट होगा वो इसके डेप्थ का एपेरेंट डेप्थ कुछ देगा। तो पहला तो ये फील होगा कि ये मछली यहां पर कहीं किसी पोजीशन पे है, वो एक तो इमेज बन गया इसका। दूसरा क्या कि जो लाइट रे यहां से रिफ्लेक्ट होके यहां पहुंचेगा, समझ रहे बात को ना, लाइट रे जो यहां से रिफ्लेक्ट होके जो इसका इमेज यहां बनेगा उसका फिर एपेरेंट इसको फील होगा। तो दो इमेज बनेगा, एक तो पहला डायरेक्ट जो मछली का इमेज बनेगा एपेरेंट डेप्थ के कारण, ठीक है, ओरिजिनल उसको यहां तो नहीं दिखने वाला क्योंकि यहां एक लिक्विड है। तो चलो देखते कैसे आएगा। तो इसका रियल डेप्थ कितना है, एच वाई टू, डेप्थ कितना है एच वाई टू, एपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या था, रियल डेप्थ मल्टीप्लाइड बाई जी। अब देखिए रहा इसका मतलब लाइट रे इससे आएगा इस मीडियम में, तो हम क्या करते थे जिस मीडियम में लाइट रे जा रहा होता या जिसमें ऑब्जर्वर है, वैसे भी कर सकते हो, ये एयर है वो तुम बाहर एयर में ही रहोगे, इसका म्यू कितना है वन, तो वन इसका डिवाइड बाई म्यू। तो एपरेंट डेप्थ कितना फील हो गया इसको, एच बाई टू म्यू, यानी ये इमेज इसको कहीं एच बाई टू म्यू पर दिख रहा होगा और ये एच पहले से है, यानी पहला इमेज कहाँ दिखा, इमेज फर्स्ट सीन वाई ऑब्जर्वर वो कितना हो गया एच प्लस एच वाई टू म्यू, ये रिजल्ट हो गया पहला। दूसरा ये डिस्टेंस तो एच वाई टू है तो इसका इमेज भी कहीं यहां बना होगा कुछ, एच वाई टू डिस्टेंस पे, तो एच वाई टू डिस्टेंस पे इसका इमेज जब बना होगा तो इसका टोटल यहां से डिस्टेंस कितना हो गया, ये टोटल डिस्टेंस, तो एच वाई टू और एच वाई टू कितना हो गया इसका, थ्री एच वाई टू, और ये थ्री एच वाई टू कितना फील होगा, तो इमेज सेकंड कहां फील होगा इसको देखो, तो ये थ्री एच वाई टू कितना फील होगा इसको, तो इसका जब एपरेंट तुम निकालोगे यहां पर इस तरह से तो 3HY2 into 1 upon mu, यानी रिजल्ट कितना आएगा 3H upon 2 mu, तो ये फील होगा 3H upon 2 mu पे और प्लस इसका जितना डिस्टेंस है, तो ये दो इमेज फील होगा इसको, किसको, आई को, किसका, फिश का। क्या फिश के भी पास तो आंख है ना, तो वो भी देखेगा, तो जल्दी से पहले फाइंड आउट करो कि वो कहां देखेगा, ट्राई कर लिए, चलो अब देखो कैसे बनेगा। तो सबसे पहला तो क्या होगा कि ये इसका हाइट एच इसको फील तो नहीं होगा, फील कौन होगा जो इसका ये एपरेंट हाइट है। तो चलो देखो कैसे होगा, देखो उसको मान लो ये यहां से एक लाइट रे भेजा इस तरह से, और वो लाइट रे ऐसे यहां जाएगा, लेकिन इसका इमेज इसको कहां फील होगा, इस पॉइंट पे कहीं, यानी एपरेंट हाइट कुछ और फील होगा, हाइट एच है और एपरेंट हाइट कुछ और होगा। एपरेंट हाइट वाले में भी क्या फॉर्मूला था हमारा, एपरेंट हाइट अगर हम निकाल लें एच ए ओरिजिनल हाइट, ठीक है, दूसरा लाइट रे कहां से आ रहा है, म्यू से, फिर जाया गया किस में है, वन में, यानी म्यू इंटू वाई वन, यानी एच ए कितना फील होगा इसको, म्यू एच, ऐसे भी याद होगा कि एयर वाले में हम लोग डायरेक्ट म्यू से मल्टीप्लाई कर लेते थे। तो अब इसको कितना फील होगा, तो एच वाई टू तो इसका ये है और ये हाइट कितना इसको फील हो रहा है, म्यू एच, तो इमेज फर्स्ट, इमेज फर्स्ट सीन वाई द फिस इक्वल्स कितना हो जाएगा, तो एच वाई टू प्लस म्यू एच, यानी ये हो जाएगा, हाँ यही हो गया आपका, कितना डिस्टेंस किसका, फिश का, जो देखेगा किसका, आई का। अब हमको दूसरा इमेज फाइंड आउट करना है, अब देखो दूसरा कैसे होगा, ये डिस्टेंस कितना है हमारा, म्यू एच है, ये डिस्टेंस कितना है हमारा, म्यू एच है, और ये डिस्टेंस कितना है, h, तो
ये जो हमारा इमेज बना है, जो उसको फील हो रहा है, उसका जो इमेज बनेगा इस रिफ्लेक्शन के कारण मिरर पे, वो कितने डिस्टेंस पे बनेगा? तो रिफ्लेक्शन के कारण जो बनेगा वो बनेगा एच प्लस म्यू एच पे, सेकेंड इमेज। और ये एच प्लस म्यू एच इसको कितना डिस्टेंस पे दिखेगा? तो एच प्लस म्यू एच तो यही है हमारा। एच प्लस म्यू एच क्यों हुआ? क्योंकि इस इमेज का जो डिस्टेंस हमारा इस मिरर से वो कितना है? एच प्लस म्यू एच। और हमको फील करना है किस किसके लिए? फिश वाले के लिए। तो एच वाई टू और जो ये बन रहा है, यानी सेकेंड इमेज क्या होगा? तो इमेज सेकेंड सीन वाई द फिश, ये क्या हो जाएगा आपका? एच प्लस म्यू एच तो पहले ही से है हमारा, और प्लस एच वाई टू, यानी थ्री एच वाई टू प्लस म्यू एच, ये दो हो गया आपका एक दूसरे के लिए। जल्दी से नोट करिए इसको। चलो ये तो हो गया हम लोग का। अब हम लोग देखेंगे आगे, अब नया टॉपिक, नया टॉपिक देखते हैं। याद होगा हम लोग पिछले क्लास में बात कर रहे थे, लास्ट में एक आया था प्रिज्म के बारे में, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। तो उसमें हम आपको बोले थे कि जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का रहेगा वो क्या रहेगा? प्रिज्म रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं प्रिज्म। प्रिज्म के बारे में बताए थे ना कि एक ट्रांसपेरेंट और रिफ्रैक्टिंग है सर बाउंड्री, ठीक है ना, जो दो सरफेस से ऐसे बनता है कि वो दोनों एक दूसरे पे कुछ पार्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइंड हो। अगर इंक्लाइंड है तब ये बन जाएगा हमारा प्रिज्म। तो चलो आज प्रिज्म में हम लोग जो हेडिंग देंगे, प्रिज्म तो हो ही गया था, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर वन पहला रिफ्रैक्शन, आर टू दूसरा रिफ्रैक्शन, और ये ए है और ये बी सी। सबको पहले समझते हैं, ठीक है। कह क्या रहा है कि एक प्रिज्म है जिसका एंगल, एंगल याद रखना हमेशा बाबू, बेस के अपोजिट जो एंगल होता है, बेस के अपोजिट जो एंगल होता है उसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। बेस वो हो गया जिस पे आप उसको रिप्लेस कर दिए। तो यहाँ बी सी मेरा बेस है, तो उसके अपोजिट जो एंगल है हमारा ए, वो हमारा क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा। क्लियर है? तो अब कहा क्या रहा है, इसमें इक्वेशन क्या फाइंड आउट करना रहता है वो समझते हैं। जनरली इसमें डेविएशन का फॉर्मूला हमको फाइंड आउट करने के लिए देता है, तो उसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे अभी, लेकिन वो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो देखो। लाइट रे आया यहां से, ठीक है, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो इस डायरेक्शन में कहीं चला जाता, तो ये जो है इसका पहला डेविएशन हो गया डेल्टा वन। तो डेल्टा वन जो डेविएशन है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये आपका क्लॉकवाइज है। मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया हुआ है, इसका वन मान लेते हैं। अब वैसे ही यहाँ पे आते हैं, अगर फिर यहाँ पे भी ये सरफेस नहीं होता तो लाइट रे कुछ इस तरह चला जाता, और ये यहाँ पर डेविएशन बन गया डेल्टा टू, जो कि फिर क्लॉकवाइज ही है। तो डेल्टा टू भी क्या है हमारा?
क्लॉकवाइज है ना। तो यहाँ पर जो नेट डेविएशन बनेगा हमारा, वो नेट डेविएशन क्या हो जाएगा, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू दोनों किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सॉल्व कर सकते हैं, बस डिपेंड करता है कि हमारे पास अगर एंगल आई भी दे दे, अगर एंगल आई दे दे तो हम लोग कैलकुलेट कर सकेंगे, ठीक है, इसका रिजल्ट डेविएशंस का, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाना चाहिए। ये तो मेरा हो गया डेविएशन का वैल्यू। तो डेल्टा वन का वैल्यू कितना है हमारा, तो डेल्टा वन होगा क्या, तो आई माइनस आर वन, डेल्टा वन हो गया आई माइनस आर वन। डेल्टा टू क्या होगा, डेल्टा टू होगा हमारा ई माइनस आर टू। तो यहां से जो मेरा टोटल डेल्टा बनेगा, डेल्टा नेट को डेल्टा ही रखने दो, कितना जगह डेल्टा नेट लिखते जाएंगे, तो इस हिसाब से मेरा डेल्टा क्या बन जाएगा, आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू, यानी रिजल्ट हो गया आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू। ये रिजल्ट हो गया हमारा किसका, डेल्टा का, यानी टोटल डेविएशन का, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये एंगल 90 डिग्री है और ये भी एंगल 90 डिग्री है, तो ए, चलो इसको कुछ और नाम दे देते, इसका नाम ओ दे देते हैं, ए और ओ का सम 180 हो जाएगा, क्योंकि वो 90-90 तो 180 हो ही गया पहले इस पूरे क्वाड्रिलेटरल में इस तरह से। और मतलब हम यहां से कह सकते थे कि ए और एंगल ओ कितना है, 180 है, यानी ए कितना हो जाएगा 180 माइनस एंगल ओ, ठीक है। और यहां से भी ऐसे ही निकाल सकते हो तुम कि आर वन प्लस आर टू, आर वन प्लस आर टू क्या हो जाएगा 180 माइनस एंगल ओ। इस वाले में भी अगर ये दोनों को हम देखें तो यहां से हमको क्या मिल जा रहा है कि आर वन प्लस आर टू किसके इक्वल रहेगा, ए के। आर वन प्लस आर टू किसके इक्वल होता है, ए के। यानी डेल्टा यहां से रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा, आई प्लस ई माइनस ए। इसलिए हम आपको बोल रहे थे कि अगर हमको आई भी मिल जाए, क्योंकि प्रिज्म है तो प्रिज्म तो हमको मालूम रह सकता है, प्रिज्म का ए दिया हुआ रह सकता है हमको, ठीक है, सॉरी, प्रिज्म का ये तो हमको मालूम रह सकता है। तो होगा क्या, वो देखो, अगर हमको आई देता है तो हम अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है तो आर वन कैलकुलेट कर सकते हैं, पहला डेविएशन मिल गया। आर वन मिल चुका है तो हम जान रहे हैं कि आर वन प्लस आर टू ए के इक्वल होता है, ए गिवन है तो आर टू निकाल लेंगे, ठीक है, फिर ई मिल जाएगा, तो वैसे हम डेल्टा फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक डेल्टा का रिलेशन बनता है म्यू के साथ, डेल्टा का क्या रिलेशन बनता है म्यू के साथ, उसको देखो कैसे निकालेंगे। तो वो जब भी हम फाइंड आउट करेंगे इस वाले केस में, तो हम ये मान के चलते हैं कि सारे रे पैराएक्सियल हैं, मतलब एंगल जो भी बन रहा है आई आर वन आर टू या ई, वो बहुत छोटा एंगल बन रहा है, ठीक है, उस केस में ये पॉसिबल है। देखिए कैसे, चलो इसको पहले नाम दे देते हैं, पी क्यू आर एस, ठीक है। अब देखो एट क्यू पे आओ, तो एट क्यू पे आओ तो साइन आई अपॉन साइन आर वन इक्वल्स क्या हो जाएगा, डायरेक्ट म्यू कर सकते हैं, म्यू बाई वन करते, क्योंकि मीडियम में म्यू में जा रहे थे और वो वन से आ रहे थे हम, तो म्यू अपॉन वन करते, म्यू ही लिखा गया। अगर एंगल छोटा हो, फॉर अ स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल के लिए क्या होगा, तो स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा क्या होता है, थीटा के इक्वल हो जाता है, इसलिए बोल रहे थे जब भी ये प्रूफ होगा छोटे एंगल के लिए ही। तो उस हिसाब से मेरा क्या हो जाएगा, आई जो हो जाएगा डायरेक्ट म्यू आर वन हो जाएगा, बोलिए क्लियर है। एंड अगर हम इसी तरह से इस पॉइंट पर यूज करें, तो एट कहां पे, आर पे, एट आर पे यूज करें, तो वहां क्या होगा, साइन आर टू अपॉन साइन आई, साइन ई बाबू सॉरी, इक्वल्स वन अपॉन म्यू हो जाएगा, होगा ना।
और फिर यहां से रिजल्ट क्या आ जाएगा, ई इक्वल्स म्यू आर टू, और ये दोनों वैल्यू यहां रख दो तो डेल्टा क्या हो जाएगा आपका, म्यू आर वन प्लस म्यू आर टू माइनस ए, तो होगा रिजल्ट क्या, म्यू इन टू आर वन प्लस आर टू माइनस ए, यानी रिजल्ट हो जाएगा कितना, म्यू ए माइनस ए, तो रिजल्ट बन जाएगा हमारा म्यू माइनस वन इन टू ए। ये डेल्टा का रिलेशन आ गया किसके साथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। ये डेल्टा का वैल्यू किसके साथ आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। क्लियर है, ठीक है। तो ये हम म्यू के रिस्पेक्ट में लाए हैं, इसको जल्दी से पहले नोट करिए, जितना जल्दी हो गया नोट करिए, हो गया नोट। तो देखो इस फॉर्मूले से क्या पता चल रहा है कि डेल्टा जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है हमारा, म्यू पर। लेकिन क्या डेल्टा आई पर डिपेंड कर रहा है, तो हाँ डेल्टा आई पर भी डिपेंड कर रहा है। अगर हम आई को वैरी करवाते हैं तो ऑब्वियस है कि ई भी वैरी करेगा हमारा, तो उस हिसाब से मेरा डेल्टा भी वैरी करेगा। यानी कहने का मतलब कि डेल्टा आपका म्यू पर भी डिपेंड करता है और डेल्टा आपका आई पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें हम लोगों को एक ग्राफ भी पढ़ना है डेल्टा और आई के रिस्पेक्ट में, ठीक है, वो ग्राफ भी देख लेते हैं। डेल्टा और आई का जो ग्राफ है हमारा, देखिए तो डेल्टा आई कर्व, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ इसका जो कर्व बना हुआ है, इस ग्राफ से ये पता चलता है कि डेल्टा जो है वो डिपेंड कर रहा है आई और ई पर, ठीक है। और दूसरा कि डेल्टा जो है वो मिनिमम है, लेकिन कब, जब आई और ई इक्वल हो, आई और ई क्या हो, इक्वल हो, तब डेल्टा क्या होगा, मिनिमम। दूसरा और एक चीज़ रखिएगा कि इस लाइन के अबाउट ये पूरा ग्राफ जो है सिमेट्रिक नहीं है, यानी ये डिस्टेंस को अगर हम डी1 मान लें और ये डिस्टेंस डी2 मान लें, तो ये इस तरफ ज़्यादा शिफ्ट किया हुआ है, यानी D1 छोटा होगा D2 से। क्या कह सकते हैं कि इस लाइन के अबाउट ये ग्राफ सिमेट्रिक नहीं है। और दूसरा, डेल्टा मिनिमम कब होता है, जब I किसके इक्वल हो, E के इक्वल हो, ठीक है। जैसे I पे हमारा क्या मिला, डेल्टा 1, E पर क्या मिला, डेल्टा 2, और ये मिनिमम कब मिल रहा है हमारा, I और ई पे। कंडीशन क्या याद रखना है कि ये सिमेट्रिक नहीं है, जैसे हम लोग देखने में फील आ रहा है ये पाराबोला टाइप है, लेकिन पाराबोला क्या होता है, फुल्ली सिमेट्रिक होता है, ठीक है, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। तो इधर ज़्यादा शिफ्ट किया हुआ है, इधर कम शिफ्ट है। तो ये ग्राफ हो गया हमारा डेल्टा और ई का। बाकी अगले क्लास में हम लोग चलेंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, और इसके मिनिमम डेविएशन का कुछ फॉर्मूला है उसको फाइंड आउट करेंगे। जैसे आप यहाँ पे कर भी सकते हो खुद से भी, अगर मान लो एप्लीकेशन कर सकते हो तो। देखो पहला क्या होगा, आई और ई इक्वल करोगे तो डेल्टा एम मिल जाएगा हमको, मिल जाएगा ना, तो डेल्टा एम का रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, आई का वैल्यू डेल्टा एम प्लस ए बाई टू। फिर वैसे ही हमारा अगर आई और ई इक्वल है, प्रिज्म अगर आप ध्यान से देखोगे, ऐसे तो हम अगले लेक्चर में करेंगे ही, प्रिज्म अगर तुम ध्यान से देखोगे और अगर आई इक्वल है
और ये ई इक्वल है, इसका मतलब आर वन और आर टू भी इक्वल होगा, और आर वन और आर टू का सम क्या था, ए था, तो उस हिसाब से हम आर निकाल सकते हैं ए बाई टू। तो उसको यूज करके हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, इसका रिजल्ट निकालेंगे मिनिमम डेविएशन का, और इस ग्राफ पे भी कुछ न्यूमेरिकल और इस पे भी कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। और इसका कुछ कंडीशन पड़ेगा, यानी प्रिज्म के बारे में ही स्टडी करेंगे अगले क्लास में, क्लियर है। तब तक के लिए पढ़ते रहें, ठीक है, घर पर रहें, स्टे होम स्टे सेफ, शुभरात्रि, सबक है।